गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आपके सामने ब्रह्म शर्मा एक बारी फिर थर्ड वीडियो लेके आया हूँ आपका चाहना बॉडी फैट को बर्न कैसे करें, हाउ टू बर्न बॉडी फैट बाय डाइटिंग, ये हमारा टॉपिक है आज। चलिए शुरू करते हैं, फैट के बारे में बात करते हैं। फैट लॉस या वेट लॉस? वेट लॉस आप क्रैश डाइटिंग से कर सकते हैं, फास्टिंग से कर सकते हैं, बट वो फिर दोबारा आने वाला है वापस। हमारा गोल है फैट को कैसे कम करें जस्ट डाइटिंग से। आज शुरू करेंगे फैट क्या है। फैट आपके पूरे बॉडी में है, फैट आपके स्टमक में है, फैट आपके स्टमक के अंदर है। विसेरल फैट 12 से 14 किलोग्राम भरा हुआ है। इतने लोग पेंडेमिक में जो है वो अपने बेलीज और अपने बेली के फैट से परेशान है, तो फैट को बर्न करना इज प्रायोरिटी नंबर वन। दिस वीडियो विल टेल यू हाउ टू बर्न फैट, वेदर इट इज बॉडी फैट और इट इज बेली फैट, उसको कैसे हमने कम करना है बाय डाइटिंग। और एक डाइटिंग का डेक आपके लिए मैं लंच रेसिपी यूज करता हूँ फॉर द लास्ट टू ईयर्स। एक ग्रेट रेसिपी जो कि लो कैल है और आपको मदद करेगी आपकी फैट बर्निंग के अभियान में। चलिए चलते हैं, ये डाइट बैलेंस होनी चाहिए और इस डाइट को लेने के लिए आपने क्या करना है। सवेरे शुरुआत में आप उठेंगे और आप एक गिलास पानी पियेंगे और उसके बाद में आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर लीजिए, घर में ही कर लीजिए। और आप लीजिए मॉर्निंग में फ्रूट्स, केवल फ्रूट्स, 11 बजे तक फ्रूट्स लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए दाल और चावल, राइट, ये आपका लंच है। और या फिर वो लंच की रेसिपी ले लीजिए जो मैंने आपके लिए रखी है। और शाम के वक्त में आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, एक एप्पल ले सकते हैं या एक एग ले सकते हैं। और रात को फिर वही आप अपना सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले लीजिए, चिकन सूप ले लीजिए, और उसके साथ में आप चिकन भी ले सकते हैं और प्रोटीन ले सकते हैं, 50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। बस इसी तरीके से अपने अपने डाइट को आपने बैलेंस करके चलना है और ये आपके बॉडी को देगा न्यूट्रिशन, कैलरी को देगा कम। तो आपसे मेरा सवाल है कि आपको कितनी कैलरी चाहिए एक दिन में, जितनी भी चाहिए 1500-1600 कैलरी, आप उससे बस 200-300 कैलरी कम कर लीजिए। अगर 1600 है तो 200-300 कैलरी कम कर लीजिए, वो आपकी डाइट होनी चाहिए। 1200 से 1400 की कैलरी का एक प्लान बनाइए, ये आपकी कैलरी रिक्वायरमेंट है। और आपने जो है टाइम आपका ईटिंग का, ये जरूरी आपके लिए चीज़ है, ईटिंग का विंडो 8 घंटे का, 11 से लेके शाम को 8 बजे तक आप अपने मील दे सकते हैं। मॉर्निंग में आप फ्रूट्स खा लीजिए और ईटिंग विंडो जो है आप रखिए 8 आवर्स। और फास्टिंग विंडो जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, ऑटोफेजिस जो है एक कमाल की टेक्निक एक नोबेल प्राइज़ विनर ने ईजाद की है, इन्वेंट की है, पता लगाई है, वो आप फॉलो कीजिए। 11 बजे आप मील लीजिए, लंच लीजिए, दोपहर में एक स्नैक्स लीजिए, शाम को आप फिर डिनर लीजिए और ख़त्म, फिनिश्ड। 11 से 8 आप खाइए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइट फूड। जो चीज़ें नहीं खानी है वो जितनी भी वाइट चीज़ें हैं, मैदा, वाइट सॉल्ट, वाइट आटा, ये सब नहीं, पैकेज फूड ये नहीं खाने हैं। और ऑयल बिल्कुल 10 बूंद की मात्रा में, वो मैं वेजिटेबल एक रेसिपी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, वो आप बनाइए और वो आप लंच में खाइए। मैं तो उसको डिनर में भी खाता हूँ, बहुत मज़े से खाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं केवल 5%, एक रोटी पूरे दिन में या एक या दो स्लाइसेस आप ले सकते हैं, हल्का उसमें चीज़ लगा लीजिए या हल्का सा उसको पीनट बटर लगा लीजिए। और ये आपका लंच का डिनर का पैटर्न मैंने आपको बता दीजिए। मेन फोकस है आपका फ्रूट्स पर, फ्रूट्स आप मॉर्निंग में खाएंगे खाली पेट, और थ्रू आउट द डे आपने कम से कम 2 लीटर पानी पीना है, हाइड्रेट करके रखिए अपनी बॉडी को। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, लो कैलरी डाइट हो गई, 400 कैलोरी का आपका ब्रेकफास्ट बना लीजिए, 300 कैलोरी का, 350 कैलोरी का लंच बना लीजिए और 400 कैलोरी का आपका डिनर बना लीजिए।
1200-1400 कैलोरी का अगर आप लेंगे डेली, और अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ध्यान ज़्यादा करेंगे, और आपने कार्बोहाइड्रेट्स आप 5% कर देंगे, 5-10%, एक रोटी या दो स्लाइस दिन में, इससे ऊपर नहीं। बाकी की जो कैलरीज हैं वो आपकी आनी चाहिए फैट से। गुड फैट लीजिए, गुड फैट आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में गुड फैट मिलेगा, पनीर में फैट गुड फैट मिलेगा, मूंगफली में गुड फैट मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा। थोड़ा थोड़ा इसका आप सेवन कर सकते हैं, यहाँ से आप गुड फैट लीजिए। और ये रही आपकी फैट की बात, और आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मैंने आपको बताया था लास्ट, और रफली आप 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट 80 किलोग्राम है तो राउंड 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए। तो 80 ग्राम प्रोटीन ले लीजिए डेली बेसिस पे, जैसे डिश मैंने बताई है उसमें 50 ग्राम प्रोटीन डाल दिया है, बाकी आपको और चीज़ों से प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है, और अगर आप प्रोटीन कम लेंगे तो मसल जो हैं वो एनर्जी आपकी एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप ज़्यादातर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फैट बनता है। तो याद रखिए कि आपकी बैलेंस डाइट नंबर 1 जो मैंने बताई, नंबर 2 ईटिंग विंडो 11 और 8 के बीच में, 11 AM to 8 PM, इसमें आपको 3 मील लेने हैं, और बाकी जो आपका 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट है, इस फास्टिंग से ही आपका फैट बर्न होगा। इससे बढ़िया जो टेक्निक मुझे अभी तक नहीं मिली है, और मेरे रिजल्ट्स फैंटास्टिक हैं। आप देख सकते हैं बिफ़ोर मेरा टमी क्या है और आफ्टर का क्या टमी है, ये दोनों फ़ोटो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, और मेरी लंच वाली रेसिपी भी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अपने फैट को कैसे बर्न कर सकते हैं केवल डाइटिंग से, एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज सिर्फ वॉकिंग कर लीजिए काफ़ी है, जिम में जाने से आपका फैट बर्न नहीं होगा। एक स्टडी के मुताबिक पहले 15 मिनट जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ग्लूकोज बर्न होता है, और उसके बाद में दूसरे 15 मिनट के अंदर में ग्लाइकोजन बर्न होता है, और लास्ट में आपका बर्न होता है फैट। दैट मीन्स 45 मिनट का अगर आप जिम करेंगे उसके बाद ही फैट बर्न होगा, इसलिए जिमिंग से फैट बर्निंग नहीं होगी, ये मेरा मानना है, ये मेरी स्टडी है, ये मेरी रिसर्च है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखिए इस वीडियो को एक बार दो बार, और ये जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको शेयर करे हैं, इससे आपका फैट ज़रूर बर्न होगा। आप अपना गोल को आप क्लियर कीजिए कि आपका फैट बर्निंग गोल क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका स्ट्रेटजी क्या है, और नॉलेज लीजिए इस वीडियो से, और अपने आप को ट्रेन कर लीजिए आपकी बॉडी की फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए। I wish you all the very best in this journey, and thank you for watching this video. I have enjoyed making this video for you, and you'll keep getting videos after videos on this subject of physical fitness. Thank you and goodbye for watching. Bye bye. Hello, good morning. Yeah, this is a lunch recipe. एक lunch की बनाने की विधि है। आप इसमें देखिए क्या कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या है। ये न्यूट्रिशन पैक्ड है, और लाइट है, हेल्दी है, और फैट लॉस, बॉडी फैट लॉस या बेली फैट लॉस के लिए एक्सीलेंट है। इसमें क्या करना है, आपने 10 बूंद ऑयल डालना है, सरसों का, तिल का, इन दोनों में से कोई, और उसके बाद में आपने ये सारी सब्जियाँ डाल देनी है। इसमें प्याज है, इसमें मटर है, भीगे हुए छोले हैं, ब्लैक ग्राम जिसको बोलते हैं, पनीर है, फ्रेश पनीर 50 ग्राम फ्रेश पनीर है, और बाकी आप टमाटर डाल सकते हैं, जो भी हरी सब्ज़ी आपको नज़र आती है वो ले लीजिए, और थोड़ी मूंगफली, फ्राइड रोस्टेड पीनट्स वो डाल दें, ड्राई फ्रूट डालने हैं छोटा मोटा वो डाल सकते हैं, आधा पीस अखरोट का, बादाम वगैरह ये, और डालना बड़ा ज़रूरी है तिल, और डालना है अलसी और चिया सीड्स। ये है चिया सीड्स, ये देखिए ये चिया सीड्स है, चिया सीड डालने हैं इसमें आधा आधा चम्मच, तिल डालना है और अलसी डालनी है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, अलसी है, ये अलसी है, ये डालना है और तिल डालना है। ये सब चीज़ों को डाल के आप स्लो हीट पे
मेरे पास तो इंडक्शन है, 350 पे लगा दिया, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसमें ऊपर से डाल दीजिए एग, अंडा अगर आप खाते हैं, नहीं तो अंडा अवॉइडेबल अगर नहीं खाते हैं। बस 15-20 मिनट इसको आप पकने दीजिए, बीच बीच में आप इसको पलट दीजिए और 10-15 मिनट के अंदर में आपका ये हो गया लंच तैयार। इसको फैट लॉस का लंच बोलता हूँ मैं। और जो ये वीडियो अभी आपके पास सामने आई है, इसका टाइटल है फैट बर्निंग विद या फैट बर्निंग बाय डाइटिंग, फैट बर्निंग बाय डाइटिंग। तो ये वीडियो आप देखिए, इसको ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।